अब बात करते हैं फाइल की इन्फो सिस्टम, इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब जैसे देखिए, हमने भी सेल्स का डेटा बनाया हुआ है, तो अब इस पर मैं कर्सर रखता हूँ तो कोई यहाँ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आता। जैसे इस पर कर्सर रखा, पी डेटा फॉर्म पे, एक इन्फॉर्मेशन आता है सर। अब ये फॉर्म किसका बना है, किस तरह का फॉर्म बना है, मुझे नहीं पता। जब तक कि मैं इस फाइल, इसके अंदर के डेटा को ओपन करके हम न देख लेते हैं, तब तक बताना मुश्किल है ना सर। राइट। लेकिन अगर हम किसी और फाइल की बात करें, यहाँ देखिए, यहाँ आपको एक नया चीज जुड़ा दिख रहा है, टाइटल दिस एग्जाम्पल डेटा। पी डेटा में कीजिए पिवट टेबल डेटा, राइट सर। डाउनलोड ऐप, यहाँ पे मोबाइल ऐप डेटा। तो मुझे एक चीज जानने के लिए फाइल को दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है कि इसके अंदर में है क्या, राइट राइट। तो इसके लिए हमने कैसे किया, जैसे मान लीजिए मैं फॉर्म फाइल पे ही करके देखते हैं, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाना होगा। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ आपका दिखेगा डिटेल्स, इस डिटेल्स पे आना होगा और यहाँ आपको दिख रहा है टाइटल। तो टाइटल में मैंने क्या किया, यहाँ पर टाइटल डाल दिया कि फॉर्म एग्जाम्पल डेटा एंट्री फॉर्म। उसके बाद इसके सब्जेक्ट में कुछ डालना है, सब्जेक्ट डाल दीजिए, कैटेगरी डालना है, कैटेगरी डाल दीजिए, कमेंट में कुछ डालना है, कमेंट पे डाल दीजिए। अब इसमें टैग है, अब जैसे कि आप सर्च करते हैं ना, विंडो सर्च का इस्तेमाल करते हैं कोई फाइल खोजने के लिए, तो सर्च के अंदर में आप जो देखेंगे तो सर्च में क्या क्या हमारा इस फाइल को क्या क्या दे सकते हैं उसका टैग दे दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ देता हूँ VVA, VVA माइक्रो, राइट ठीक है। उसके बाद मैंने दे दिया यहाँ पे फॉर्म, ए यूजर फॉर्म, यूजर फॉर्म, उसे क्या हो बताता हूँ इसमें, और मैं इसमें से नाम दे देता हूँ राहुल, क्योंकि राहुल को मैं पढ़ाया था। और मैं इसको अप्लाई करके ओके कर दिया। अब मुझे मान लीजिए याद नहीं है कि मैंने फाइल का नाम क्या रखा था, तो हम सर्च सिस्टम में या फिर इस फोल्डर सिस्टम में जाके मैं यहाँ ऊपर सर्च में राहुल डालूंगा। राहुल डालते ही फॉर्म डॉट एक्सएमएल क्यों आ रहा है, दिखा सर, वो एक्चुअली डिटेल्स में दिया हुआ है। जी हाँ, ये टैग में दिया हुआ है, तो जो टैग में दिया हुआ है वो चीज जो भी डालेंगे यहाँ आ जाएगा। अच्छा, जो टैग में होता है वो यहाँ पे आ जाता है। हाँ, यहाँ पे डालते ही वो फाइल को कंसीडर कर लेता है। जैसे विंडो, जैसे गूगल कीवर्ड्स नहीं होता है, कीवर्ड्स, जैसे मुझे ही आप एक्सेल में सर्च करते हैं, मैं इसमें गूगल पे सर्च करते हैं आईपीटी इंडिया सुजीत कुमार एक्सेल ट्रेनिंग एक्सेल कोर्स वीवीए कोर्स, तो मेरा वेबसाइट शो होता है। ऐसा इसलिए होता है कि मैं अपने वेबसाइट के अंदर मेटा टैग में इस सारे कीवर्ड डाले हुए हैं। नहीं, यहाँ पे फॉर्म लिखने से नहीं आएगा, फॉर्म से भी आएगा, टैगिंग टैग से भी आएगा, टैग से भी आएगा। तो जैसे फॉर्म आपको याद होगा तब ना, कभी कभी क्या होता है, नाम अगर याद है तो भूल लेंगे ना तुरंत, नाम कभी कभी याद नहीं होता है ना, इसलिए आप उससे रिलेटेड तीन चार कीवर्ड याद है। मान लीजिए आपने बॉस को एक सेल्स रिपोर्ट भेजा था, तो फाइल का नाम क्या है, फाइल का नाम है दिसंबर सेल्स रिपोर्ट, राइट। अब आपको याद नहीं है कि दिसंबर सेल्स रिपोर्ट उसका फाइल का नाम था, बट आपने आपने टैग में लिख दिया था मंथली सेल्स, आपने टैग में बॉस का नाम लिख दिया आपने कि मिस्टर गुप्ता, तो आप गुप्ता जैसे लिखेंगे दिसंबर को कंसीडर कर लेगा, क्योंकि गुप्ता नाम का टैग आपने उसके टैग में डाल रखा है। क्लियर है, समझिए। तो टैग इसलिए यूज किया जाता है, और ये इन्फॉर्मेशन आप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी से ही फिल कर सकते हैं, और दूसरा अगर वो फाइल ओपन है तो उसके इन्फो में जाके भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है।
ठीक है, ये था हमारा फाइल सिस्टम।